दिया के देवर जी को भगा के और हम लोग कब्जा किए हुए क्या बना रहे बुआ? नाग नागिन नाग देवता वट सावित्री के दिन नाग देवता का पूजा होता है। आशीर्वाद दीजिए कि जैसे जी आ रही है वैसे मैं भी जाऊँ, उससे बहुत खुशी आ रही है। वैसे तुम जो साड़ी लाई हो माँ को कॉटन की साड़ी पहनती है, मुझे ब्लॉग में मैं देखी थी ना तो मुझे पता था। तो जैसा कि देख सकते हैं जी, ये ऋतु का जो पहला वट सावित्री व्रत है उसका जो है सब कुछ धूमधाम से तैयारी चल रही है। कुछ समझ तो नहीं आ रहा ना, तुम कह रहे जी, क्या हो रहा है ये? गौर बनेगा हल्दी का, अच्छा गौरी महादेव बनेगा हल्दी का वट सावित्री के लिए। अच्छा पूजा ऐसी से यही गौर माता से सुहाग मांगेगी। अच्छा जी, सुहाग के सुहाग के लाई सुबह के लागा छोरू नब काई छोरू पुरनाई गीत करू नब काई छोरू पुरनाई गीत करू नब काई वो तो परसों है, उसके पहले वाला दिन भी चल रहा है कोई बिया सही बिया बहुत अच्छा लगे दिगंबर यहीं के शरण में आयल ठुकरायल के शरण में आयल ठुकरायल उसको हटाओ, ए वाइट वाला हटाओ उसको। जो क्रीम कलर है यहाँ पे
कूटो जितना कूट पाती हो, पांच बार जितना कूट पाती हो दम में है तो कूटो, हमारे यहाँ बहू आती नहीं वाली है, जब हल्दी ये सब पूछती है तब कहती है अच्छा जो कनिया है बापक बेटी, एक आता बड़ी बड़ी है गीत होता जो कनिया है तीन बाप के बेटी, मुना मुना में है जैसा कहीं कुछ है कहथिन सियाद सुनु ये सुनै न माय, कहथिन सियाद सुनु ये सुनै न माय, गौरी पूजा बाकिया मांगब से कहुन, गौरी पूजा तसे मांगो मांग बन देवा मिट्टी का और मिट्टी तो था ही तो घर में, राजा दशरथ सना ससुर यही पे तो है ब्यूटी सेठानी जो है बैठ चुकी है बेड पे हैं। बोल के करवाती है कोल्ड ड्रिंक ला भाई कोल्ड ड्रिंक, दीदी दीदी बोलिए कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक सब ला, कोल्ड ड्रिंक ला जितने फ्लेवर है सारे लेके आओ मेरे लिए, अरे बोतल ही दे दे बोतल ही दे दे, महारानी बैठ महारानी बोतल से महारानी नहीं पियर फराग वाली जिया के देवर जी को भगा के और हम लोग कब्जा किए हुए क्योंकि दो तीन बार आए नहीं लोग नहीं मिल पाई, हम सोचे कि अब लोग चल जाएगी तो अब चलो मिला देते, वैसे भी शांति दी तो चली जो है मामा बैठी है कह रही है कि सब मेरी खातिरदारी करो और इतना दिया खाने के लिए अब कह दिया अब नहीं हो पाएगा, मैं क्या है मेरी बहन देने के बाद जो है हालत हो जा रहा है, सारे बहन क्या करो कि एक एक बाइट लो और जबरदस्ती तो ज्यादा खातिरदारी हो जाएगी, बढ़िया से खातिरदारी माँ है ही ना मेरी छोड़ी अच्छा लग रहा है, अभी तो माँ का तबीयत खराब है नहीं तो बहुत बहुत अच्छी लग रही और क्या क्या टैलेंट छुपा रखी है, पूरी टैलेंट है किसी चीज की कमी नहीं है, सब गुण से भरी है, इतना बड़ा एक्टर अभी रहना जरूरी है माँ आपको,
में तो हम लोग धरती पर जल जाएंगे। क्या बना रहे बुआ? नाग नागी नाग देवता है। अच्छा इसकी पूजा सावित्री के दिन, वट सावित्री के दिन नाग देवता का पूजा होता है, दूध लावा चढ़ाया जाता है इस पर। दूध लावा? हाँ। तुम कल मैंने तुम लोग आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ तो एक बेटी आई ना अपनी माँ के लिए, पहली बार आई है तो आशीर्वाद दीजिए कि जैसे जी आ रही है वैसे मैं भी जाऊँ, उससे बहुत खुशी आ रही है। हमसे पीछे नहीं रहेंगे, हम किसी से कम नहीं। सही बात, सब मेहनत करके आगे जाता है। सबको मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और हमारा बाल बच्चा हमसे ऊंचा। मेहनत तो करते ही बड़ों का आशीर्वाद भी तो जरूरी होता है ना। देखो डिसिप्लिन रहेगी, जितना अनुकूल रहेगी माँ बाप हम सबको अपना बेटा बेटी को जितना अनुकूल उतना माँ बाप बड़ों का आशीर्वाद लीजिए आगे। जीवन में कभी किसी को कटु वचन कह के उसका दिल नहीं दुखाना, अपने से बड़ों का निरादर नहीं, कभी कमी नहीं रहेगा। इतना होगा तुम ले नहीं समेट लेके दोनों हाथ से तब भी भरते। वैसे तुम जो साड़ी लाई हो माँ को कॉटन की साड़ी पहनती है? मुझे ब्लॉग में मैं देखी थी ना तो मुझे पता था कि कॉटन की साड़ी पहनती है। और बहुत 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 5000 का भी साड़ी देगी जी, मैं कॉटन की लाई थी किसी को। हाँ कॉटन ही पहनती है, पहनी सिर्फ कॉटन का ही। और ऐसे बहुत की साड़ी हमको को देता था, हम किसी को देते नहीं। मोजी ये हल्दी का बड़ी महादेव बनाई है, ये हल्दी और दुबी दोनों मिला के पिसा जाता है, उसी का ये गौड़ी रखी है। तो जैसा कि देख सकते हैं जी, ये ऋतु का जो पहला वट सावित्री व्रत है उसका जो है सब कुछ धूमधाम से तैयारी चल रही है, और जितने भी रस्म और रीति रिवाज है सब कुछ वह सब चल रहे हैं और विधि और वह सब। तो उम्मीद करते हैं जी आपको यह ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, और आगे भी जो जो होता रहेगा इस वीडियो में हम आपको दिखाते रहेंगे। आज वट सावित्री का शुरुआत है, हम लोग में है कि ससुराल से हल्दी का गौड़ी बना के दिया जाता है। अच्छा जी, अब तो मैं बृहत नहीं कर पाई थी, जॉब में तो मुझे छुट्टी नहीं दी गई, मजबूरी में वहाँ फंस के रह गई, लेकिन आज मैं हम घर पर हूँ तो जिया ऋतु और मेरा अपना परिवार के सहयोग से आज हम उस पर्व को मनाए। और भगवान हम सभी अखंड सभी सुहागन को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर सुहागन को बच्चा भी देखने का मौका मिले। मेरे यहाँ पे दीदी खाना खा रही है, बीच में ही आ गया आंधी, सब भाग गए। मेरा पानी ही गिर गया पदर में, तो फिर मैंने दूसरा प्लेट ले लिया। तो यहाँ पर जी सभी का खाना लग गया है, और अभी रात के बज रहे हैं 11:30, और बाहर का मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। कुछ ऐसा मौसम है, बारिश हो रही है जबरदस्त। एक समय तो ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जितना भी पत्ता था सब कुछ उड़ गया था, वहाँ पर जो सब सामान था उड़ गया। फिर उसके बाद जो है इंद्र देवता जो है कुछ नरम हुए, जब वह कुछ नरम हुए तब उसके बाद जो है फिर से यहाँ टेबल लगा हुआ है और सभी लोग बैठे हुए हैं।